नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के बारे में। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं लिया हूं साथ में हम बात करेंगे कि यह क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड पूछा जाता है और 5 नंबर का पूछा जाता है, और हर क्वेश्चन में यानी कि हर बार के क्वेश्चन में रहता है, तो हम 5 नंबर को आसानी से ला सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम उन 5 नंबर में 4 नंबर, जो भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है, 4 नंबर इस वीडियो को देखकर ला सकता है। मैं इसके बाद जो है इन कुछ एग्जाम्पल के सीरीज लेके आऊंगा, उन सीरीजों को देखकर, एग्जाम्पलों को देखकर आप आसानी से पैरा जंबल सेंटेंस यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट को, इसे सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं, को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर जो है एक एग्जाम्पल है, यह प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल है, और इस ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए यानी कि पैरा जंबल सेंटेंस को बनाने के लिए इस 5 पॉइंट यानी 5 ट्रिक को आपको याद रखना है, और प्रत्येक ट्रिक पे ऑप्शन पे यानी प्रत्येक ट्रिक पे हम एक एक एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, और उन एग्जाम्पलों के सहारा से जो है हम हर सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज का जैसे टॉपिक है सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी इंग्लिश लेवल 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने लेवल 0 और लेवल 1 अपलोड किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट पे, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर भी जाकर उसे आप पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफी अच्छी चीजें बताई गई है जो आपके लिए फायदेमंद होगा, आप उसे जाकर पहले देख लीजिए। इसके बाद जो हमारा सीरीज चल रहा है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 0 to Hero यानी कि जो मेरे जैसे कमजोर स्टूडेंट हैं उसको पास, कम से कम क्वालिफाइड मार्क तक ले जाना ही मेरा उद्देश्य है, तो उसी सीरीज में जो है यह आज एक तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इस सेंटेंस को याद रखने बनाने से पहले आपको इन 5 पॉइंटों को आपको याद रखना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप पहला ऑप्शन में पहले पॉइंट पे देख रहे होंगे लिखा है कि सेंटेंस कोरिलेशन विथ, यानी कोरिलेशन विथ का अर्थ यह है कि जब हम पैरा जंबल सेंटेंस बनाएंगे तो उसके किसी ना किसी दो सेंटेंस में जो पार्ट वाइज दिया रहता है उसमें कुछ कोरिलेशन होगा, आपस में मिलता जुलता होगा। दूसरा है जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट का अर्थ है कि अगर सेंटेंस जो दिया रहेगा उसका आंसर जनरल स्टेटमेंट होगा, जनरल स्टेटमेंट से यह मतलब है कि जैसे मैं अगर कहूं नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, यानी कि हम नरेंद्र मोदी से स्टार्ट कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा सेंटेंस का, यह एक जनरल स्टेटमेंट होगा, और हर कोई जानते हैं कि हाँ भाई जनरल स्टेटमेंट है कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, या फिर भारत की राजधानी दिल्ली है, तो यह जनरल स्टेटमेंट है, इससे सेंटेंस स्टार्ट मैक्सिमम होते हैं। इन पॉइंट्स को भी याद रखने हैं। स्टार्ट होने का मतलब यह है कि हो सकता है कि वह पहला पॉइंट हो। तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को आपको ध्यान में रखना है, हम हर टॉपिक पे जो है 5 पॉइंट पे 5 एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, इन 5 एग्जाम्पलों पे जो है आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। एक ही वीडियो में भले मैं ना बता सकूं, इसके लिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ अलग अलग वीडियो पे भी आ सकता हूं। तो तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स कि अगर मैं कहूं सूरज पूरब में उगता है, तो यह क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना इसे आप बदल सकते हो ना इसे हम बदल सकते हैं। शाम के बाद रात होती है, यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे भी कभी बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद चौथा में है स्टार्ट विथ। वो सेंटेंस या तो स्टार्ट होगा ऑब्टेंड से यानी प्राय, इंसिडेंट यानी किसी घटना से स्टार्ट हो सकता है, या वो जो होगा कोई स्टोरी होगा, ठीक है। पांचवा जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है मैक्सिमम स्टार्ट विथ नाउन या मोस्ट या ओवर या वंस या ईटीसी से स्टार्ट होगा। इन 5 पॉइंट्स के सहारा से जो है अगर आप याद रखेंगे, घबराइए मत, मैं आज
पहले एग्जाम्पल के साथ एक सेंटेंस बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके सपोर्ट से हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। इन पांचों को अगर आप याद रखते हैं तो आप जो है पैरा जर्बल सेंटेंस या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट या सेंटेंस अरेंजमेंट के जो पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कम से कम चार नंबर जो कमजोर स्टूडेंट है वो ला सकते हैं, और जो तेज तरार है वो तो पांच नंबर लाएगा ही। तो कम से कम चार नंबर आप ला सकते हैं इन पांच पॉइंट को पढ़ के और पांच एग्जाम्पल को का वीडियो देखकर। पैरा जर्बल सेंटेंस में ऑप्शन हर वक्त जो होता है या तो पी क्यू आर में रहेगा या एस आर पी क्यू माने पी क्यू आर एस के ऑप्शन में होगा, या तो एक दो तीन चार के ऑप्शन में होगा, या तो एबीसीडी के ऑप्शन में होगा, कैसा भी दे सकता है। मतलब सेंटेंस को आपको अरेंज करके सीक्वेंस पे जो है आपको आंसर देना है। तो आज के पहले हम ट्रिक पे चलते हैं, सेंटेंस कोरिलेशन। सेंटेंस कोरिलेशन पे एक मैंने वो लिया है, एग्जाम्पल लिया है जो कि प्रीवियस ईयर का है। आप देखेंगे यह शायद 2018 के क्वेश्चन जो का जो है उसमें है। तो कोरिलेशन विथ अगर देखेंगे इसमें क्या है, मैंने लिखा है कोरिलेशन विथ। दोस्तों एक सेंटेंस दिया गया है, देखिए यहां पे लिखा गया है कि द एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, आई कुक, माई फैमिली इट्स वॉट एवर आई कुक, दे नेवर क्रिटिसाइज मी। यानी एक सेंटेंस है जिसमें आपको दे रहा है कि यहां खाने की बात हो रहा है या प्रशंसा की बात हो रही है या क्रिटिसाइज की बात हो रही है कि क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, फैमिली की बात हो रही है। यानी एक फैमिली है, एक फैमिली में खाना बनाया जाता है और वो जो भी खाना बनाता है वो कोई खा लेता है, हर कोई खा लेता है, कभी उसकी बेइज्जती नहीं करता, कभी उसका उपवास नहीं उड़ाता और उसकी प्रशंसा जो है करता है, तो उससे वह खुश होता है। यह एक सेंटेंस का भाव है। सेंटेंस के मतलब को कम से कम समझने की कोशिश करेंगे। हम नहीं कहते कि आप डिट्टो समझ जाएंगे या डिट्टो समझ लेंगे या समझने की जरूरत है, आप उसके भाव को उसके मतलब को कम से कम दिमाग में खाका बैठा लीजिए कि ये सबसे बड़ा वो है, ट्रिक है। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं कि उसका सेंटेंस को समझिए और उसके खाका को दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चीज कहना चाह रहा है, ये चीज हो रहा है इस कहानी में। तो यहां पे जो दिया गया है पैरा जर्बल सेंटेंस में ये सब बातें समझ गए आपकी, कुक के बारे में बताया है, एप्रिसिएशन के बारे में, क्रिटिसाइज और फैमिली के बारे में बताया है। अब आते हैं हम पहले ट्रिक की तरफ, सेंटेंस कोरिलेशन। सेंटेंस कोरिलेशन का सबसे तात्पर्य यह है कि किसी भी दो जो ऑप्शन दिया, किसी भी दो सेंटेंस में जो है एक कोरिलेशन होगा। कैसे देखते हैं, देखिए क्यू में दिया गया है कुक और आर में भी है कुक, यानी इसमें भी कुक है, इसमें भी कुक है, ये दोनों आप सेंटेंस जो है आपस में कोरिलेटेड है। इसमें क्या है, कोरिलेशन है, किसमें, कुक में और कुक में, यानी क्यू में और आर में कोरिलेशन है। यानी अगर हमारा आंसर होगा कहीं ना कहीं क्यू आर साथ में होगा या तो आर क्यू साथ में होगा, क्यू आर साथ में होगा या तो आर क्यू साथ में होगा। तो हम अगर ऑप्शन की छटनी करें, अगर ऑप्शन को सॉर्ट करने की कोशिश करें कि हमारा गलती कम हो, तो हम देख लेते हैं क्यू आर कहां पे है। इसमें नहीं है क्यू आर, इसमें आर क्यू है, देखिए आर क्यू है, इसमें आर क्यू है और क्यू आर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी कि ऑप्शन ए और ये हमारा ऑलरेडी खत्म हो गया, यानी कैंसिल हो गया। हमारा हमारी जो लड़ाई अब होगी किसमें, बी और सी ऑप्शन में होगी, यही दो ऑप्शन में हमारी लड़ाई होगी। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है। आई कुक, मैं खाना बनाता हूं, पहले खाना बनाऊंगा फिर खाऊंगा, फिर कोई तारीफ करेगा तब समझ में आएगा कि हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो आई कुक यानी यह क्या होगा, पहले होगा आई कुक, माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक, यानी आई कुक मैं खाना बनाता हूं, मेरा परिवार जो है वो सब कुछ खा लेते हैं जो कुछ भी मैं बनाता हूं। यानी पहले क्यू होगा उसके बाद क्या होगा, आर होगा, पहले क्यू होगा उसके बाद आर होगा। आई कुक माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक, तो क्या हो जाएगा, यह पहले क्यू होगा। देखिए ऑप्शन सी में है क्यू पहले। अब पूरा सेंटेंस को हम देखते हैं तो हमारा क्या हो गया, पहले क्यू हो गया, आई कुक ओके मैं खाना बनाता हूं, माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक, सेंटेंस मिल रहा है हमारा।
मैं खाना बनाता हूँ, मेरा परिवार सब खा लेते हैं जो कि कुछ भी मैं बनाता हूं। उसके बाद आते हैं देयर अप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, और लास्ट सेंटेंस है दे नेवर क्रिटिसाइज मी। द एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, पी और एस। तो दे नेवर क्रिटिसाइज मी। मैं खाना बनाता हूं, सभी खा लेते हैं, वो हमारा कभी जो है बुराई नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, और वो जो प्रशंसा भी जो करते हैं वह हमें खुशियां देती है, खुशी प्रदान करता है। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी QRSP। यह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितना इजी है कि हम कोरिलेशन के सहायता से जो है हम बना लिए। तो एक एक के सहारे एक, इस तरह से आपने कोरिलेशन करके देखना है, ऑप्शन की छटनी करनी है, और आपका जो है आंसर 100% सही होगा, इतना दावा है। शॉर्ट ट्रिक्स, इन शॉर्ट ट्रिक्स के सहारे से हम देखिए कि कैसे हम किसी भी पैराग्राफ सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करके हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं और 5 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं पास करने के रास्ते में। यह जो एग्जाम्पल था यह 1 नंबर ट्रिक के सहारे पे था। अब 4 हमारा ट्रिक बच गया, इन 4 ट्रिकों पे हम लोग एक एक एग्जाम्पल आसानी से बनाएंगे। इन 5 एग्जाम्पल को बनाने के बाद और इन 5 ट्रिकों के सहारे से हम किसी भी प्रेजेंटेबल सेंटेंस को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और 5 नंबर हम अपना पक्का कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो में जो है हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, दूसरे ट्रिक की बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आगे भी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो वीडियो पे तो लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी है तो उस कमेंट बॉक्स में पूछना नहीं ना भूलिएगा। अगर आप रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में कुछ लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी जाके आप देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।